बुरा लग रहा है साहब। Bro, you have to maintain the rules, okay? पेट्रोल तो इसका प्राइस है लगभग 8 लाख रुपए। हर पसे हर था भाई साहब, लेजेंड यार, ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला। तो भाई एक नया गाना रिलीज हुआ है मूसेवाले के यूट्यूब चैनल पे, बट भाई क्या क्रेजी है, मतलब मेरे तो दिल पे लग गया है गाना, सीरियसली कल रात से चल रहा है। यहाँ पे एक नंबर गाना और एक नंबर वीडियो है, जिसने भी बनाया ना सल्यूट है। वैसे थोड़ा सा मैं सैड हुआ आज, बट चलो उसके बारे में बात करते हैं। पहले गुड मॉर्निंग कर देते हैं क्योंकि देखो सुबह के 8 बज रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जेसन। सो मैं हूँ अभी गोल्फर्न में, यहाँ से आज जा रहे हैं हम लोग सिडनी। एंड चलो दुखड़ा रो देता हूँ, तो आज सिडनी जाके अपना दिन खत्म होने वाला है, मतलब अपनी राइड खत्म होने वाली है एक्चुअल में। सो 4 दिन की राइड थी, 4 दिन में और रुक रहा हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, बट राइडिंग आज खत्म हो जाएगी। आज जो इंडियन मोटरसाइकिल मैंने ली थी ना, उसको वापस करना है। मैंने वहां बोला था अंकल को, मैंने कहा था अंकल जी मैं संडे को दे दूंगा, कह रहा नहीं सैटरडे को दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है सैटरडे को दे दूंगा, तो टुडे सैटरडे। एंड एक और चीज याद आई, चलो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, सुबह हो गई ना। तो कल मैं कुछ खाना लेके आ गया था रूम में, ओ तेरे की क्या दिख रहा है मुझको, ये तो जम गई मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफी, जम गई। और साथ में मैं लेके आया था चिकन पेरी पेरी रैप, तो यहाँ पे माइक्रोवेव है, अभी इसको गर्म करके खा लेंगे। तो यहाँ यार ये जो सर्विसेज है ना नहीं मिलती, स्पेशली ईस्टर वीकेंड पे ना चीज़ें और महंगी हो जाती हैं और सर्विस इंटरप्ट हो जाती है। कल मेरे को रूम में पानी मिला तो मैं इतना खुश हो गया ना, मैं क्या बताऊं। देखो अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ टैप वाटर पीने के लिए, यहाँ पे पी सकते हैं सेफ माना जाता है, बट नहीं अपने को तो ऐसे बॉटल चाहिए। तो अच्छी बात थी जब हमने चेक इन किया ना तो ये तो मिल गया, बट दूसरा एक नोट भी मिल गया कि भाई ऐसा है कि जो लंच है और डिनर है वो नहीं हो पाएगा अगले 2 दिन, बिकॉज ईस्टर है तो लोग छुट्टी में हैं। एंड कल मैंने सबवे भी लिया था ना, वहाँ भी 15% एक्स्ट्रा दिया, पता है क्या लिखा हुआ था कि भी ईस्टर वीकेंड पे जो हम लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो 15% उन्होंने वो ले लिया। तो ये था मेरा डिनर, वो है मेरा ब्रेकफास्ट। तो भैया ऐसे काम चला रहे, आज अपने घर पहुंचेंगे ना, मतलब सिडनी में जो अपने रिलेटिव्स है, मेरी सिस्टर रहती है उनके घर जाएंगे, वहां खाएंगे बढ़िया सा और पियेंगे चाय। तलब हो रही है भाई चाय की, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने डे 1 पे पी थी जब मैं आया था इधर सिडनी, और उसके बाद 3 दिन से मैं चाय ढूंढ रहा हूँ, बट इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चा बहुत रो रहा है, ना इसके कमेंट्स आ रहे हैं, ना इसको कोई लाइक कर रहा है, ना कोई फॉलो कर रहा है। अब ये रो रहा है तो मेरा क्या हो रहा होगा, जल्दी करो भैया इंस्टा पे जाके फॉलो करो, आईडी आ रही स्क्रीन पे। धीरे चलाना आज, ठीक है, ईस्टर वीकेंड है, डबल डी मेरिट लग जाएगा। वैसे इंडियन हमारे पास लाइसेंस है, इंडियन बाइक है, वी आर इंडियन, प्राउड इंडियन। ये देखो मैं दूंगा ही नहीं, अब ये बोल रहे हैं कि चलो एक रोड बनवाते हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक, स्पेशली साउथ दिल्ली, मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताऊंगा, वहां तक एस्टुले आने के लिए। मैं ठीक है, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से दोनों कंट्रीज के, कुछ करते हैं, कुछ हो सकता है ना। भाई कल इतना सही टाइमिंग था, हमने बस यहाँ पे बाइक्स लगाई, अंदर घुसे और इतने में आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज बारिश थी। एंड अभी देखो हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी और बहुत तेज, बट चलो मतलब वेदर सो फार क्लियर है, रेन नहीं होगी इसलिए रेन गियर हमने नहीं पहने। और आज की जो राइड है सिर्फ 2-2.5 घंटे की है, यहाँ से सिडनी ज़्यादा दूर नहीं है, तो लेट्स सी लेट्स एंजॉय। बट काम बहुत सारे हैं मेरे को, पहले वहाँ पे जाना है, बाइक छोड़ना है, उसके बाद में हम लोग जाएंगे, नहीं हम लोग नहीं, मैं जाऊँगा अपने सिस्टर के यहाँ, फिर शायद शॉपिंग का आज प्लान बने, शाम को कुछ खरीदना है मुझे, यहाँ से आज शॉपिंग पे जाऊँगा मैं शाम को। और कल संडे है, कल मैं अलग ही एक चीज़ प्लान करके बैठ गया हूँ। क्लोज भी नहीं पहले जा रहे, दिल्ली कर रहा है यार, मतलब बीइंग अ राइडर ना, आई वांट टू राइड मोर 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 मोर, बट कह सकते हैं चलो एक वार्म अप है, पहले दिन ही मैं 20 किलो के डंबल से डोले नहीं बना सकता ना, तो समझ लो ऑस्ट्रेलिया का चस्का लग गया मुझको, समझ में आ गई कंट्री। ईजी है भाई, सब कुछ ईजी है, एक तो इंग्लिश जो यहाँ पे बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं, एक्सेंट अच्छा है, समझ में आता है ना, अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। खाने की आइटमें समझ आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइविंग सेंस समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल का प्राइस समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन लाइसेंस चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा वीज़ा तो 3 साल का लगा है, तो मैं दोबारा आ सकता हूँ, समझ रहे हो। तो 2023 से 2026 तक मल्टीपल एंट्रीज मैं कर सकता हूँ, मैक्सिमम एंट्री होगी 3 महीने की,
बड़े लड़कों कितना स्मार्ट लग रहा है यार। ओए होए होए, आई कांट बिलीव, वाओ, इतना स्मार्ट राइडर ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा है, इसको तो इंडिया में होना चाहिए। इतना स्मार्ट राइडर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ वाओ, सेक्सी। ओए होए 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 ब्रो, यू हैव टू मेंटेन द रूल्स, ओके। सो एज यूजुअल आई विल बी लीडिंग टुडे एंड मैप यहाँ पे लगा हुआ है विच सेज 197 किलोमीटर्स, बट यहाँ पे टाइम देखो जरा 159, मतलब दो घंटे में कह रहा है कि भाई 200 किलोमीटर आप कर लोगे, तो सोचो किस टाइप के रूट्स होंगे। और एस्टिमेटेड टाइमिंग है 10:57, मतलब 11 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे सिडनी। चलो जी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा राइट वालों को देने का है, गाड़ी जब निकल जाए तो आप निकल सकते हो रोड पे। ठंड बहुत है, आपको लग नहीं रहा होगा, बर्फ वर्फ नहीं दिख रही होगी फ्रेम में, बट ठंडी बहुत है, ऊपर से हवा बहुत चल रही है, सीरियसली। पेट्रोल की लाइट जल गई है, आ जाओ एक्सचेंज मारते हैं। डन, आए बुढ़ापा आ रहा है मेरे को, ऐसे लग रहा है बुढ़ापा। हाँ, हाथ पैर ऐसे सेट हो गए, मतलब सुबह सुबह अभी पहला ब्रेक लगाया हमने जब से चले, पहली बार रोकी है अभी, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा किलोमीटर्स कर दिए, 16 किलोमीटर बचे हैं, तो मतलब 180 किलोमीटर के बाद अभी रुके हम लोग यार, इमेजिन करो। हाँ, ट्रैफिक बहुत है, और मैंने ये देखा सिटी से बाहर जाने वाला ट्रैफिक और ज़्यादा है लॉन्ग वीकेंड की वजह से। अभी रियलाइज हुआ मुझे, कल बारिश हो रही थी और ये जो सीट लगा हुआ एयर सीट, ये गीला था, मेरा पूरा पैंट पीछे से गीला हो गया। सही है, तो भाई ऐसे 17-18 किलोमीटर बचे हैं सिटी के लिए, बाइक्स फिर से हमने स्वैप कर लिए क्योंकि ऐसा था बहुत चला ली भाई, थक रहा था। अब इसमें मज़े लेंगे क्रूज कंट्रोल का, क्योंकि भैया ये एडवांटेज है यहाँ पे। मेरा ना ऐसे पाम में दर्द हो गया था, क्या है हमें देखो 100 मेंटेन करना है, तो 97 पे ना ऐसे रोक के, 98 पे रोक के ऐसे रखना पड़ता है बहुत देर। जब आपके पास क्रूज कंट्रोल है ना तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, जब स्पीड लिमिट में ही चलानी है तो भाई यहीं से सेट कर दो क्रूज कंट्रोल, अगर 100 है तो 97-98 पे सेट कर दो, तो एफर्ट्स थोड़े से कम लगते हैं। ओहो, बननी होनी चाहिए थी। ओहो हो हो, देखो कैमरा लगे हैं आगे पीछे ऊपर नीचे रेड लाइट के ऊपर में, फुल सर्वेलेंस चालू है। एक चीज़ बढ़िया है, मतलब अगर कैमरे आ रहे होते ना आगे, तो पहले ही ना लिखा होता है कि भाई आगे कैमरे आ रहे हैं, मेंटेन द स्पीड, तो थोड़ा बंदा वैसे ही अलर्ट हो जाता है। बाकी एक चीज़ हो रहा है, मतलब मेरे फर्स्ट ब्लॉग में किसी ने कमेंट किया कि भाई एक दो टर्न मैंने ना गलत ले लिए, तो यार अपॉलोजीज भाई, ऐसा होता है ना, मैं अभी शहर में नया आया हूँ, आप समझ सकते हो पहले दिन ही अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो एक आधा फॉल्ट तो होगा, बट देखो धीरे 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 मेरे को ये शहर समझ में आ चुका है। ये लिखा है बार बार, डबल डिमेरिट, 10 अप्रैल तक है, वेंटवर्थ सेंट। तो भाई ये जो एरिया ना, मतलब मेरे को देख के रियलाइज हो रहा है कि अब टाइम आ गया इसको बाय करने का, बुरा लग रहा है साहब, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा बेबी, मेरा नहीं वैसे किसी और का ही था, बट यार देखो अच्छा अच्छा सफ़र कट गया मेरा, मज़ा आ गया मुझको। सो अब इसको वापस छोड़ने की बारी है, और ये जो शोरूम है ना जहाँ से ये उठाया मैंने, इंडियन,
भाई यहाँ पे ना बहुत सारे राइडिंग गियर्स भी मिलते हैं, बहुत सारी एसेसरी शॉप्स भी हैं, मतलब शॉप्स के एसेसरी भी अंदर है। पाप लग गया भाई, माफी माफी माफी, मैंने नहीं बजाया था दोस्तों, गलती से बज गया था। पर चलो बड़े दिन के बाद कानों को ये आवाज़ सुन के थोड़ी सी राहत मिली। पहुंच गए हम, जब मैं पहले दिन आया था वो यहाँ खड़ी थी, वो मतलब ये यहाँ खड़ी थी, जे आया लौंडा डर्ट बाइक पे, भर भर करता हुआ, भर भर करके पिंक चड्डी पाके जो अलॉयस से मैच कर गए, सॉरी अलॉयस नहीं है, फोक्स है, पिंक कलर के, हेलमेट भी पिंक है, चड्डी भी पिंक है। क्रिएटिव है भाई बंदा, क्रिएटिव है, काफ़ी क्रिएटिव है। जिमनी वाला कलर वैसे ही देख रहे हो, $8,990 की मिल रही है आपको, V-Star 2014 मॉडल है, 9,500 किलोमीटर चली हुई है, लगभग लगभग 4,90,000 रुपये में, यू कैन गेट इट हेयर। बहुत सस्ता माल है इधर यार, अपन को नहीं जमता, अपन को इंडिया ही समझ आता है। भाई बाइकर्स के लिए हेवन है ये जगह यार, सीरियसली क्या क्या नहीं है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है, और डिस्काउंट भी चल रहा है, ईस्टर डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं तो वही शॉपिंग करने वाला हूँ, ये पक्की बात है। एंड अभी मतलब कुछ सीन्स ऐसे हैं, एक हमारे भाई मिले हैं, ही इज फ्रॉम नेपाल। ब्रो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रशांत, आई एम फ्रॉम नेपाल। सो व्हिच प्लेस इन नेपाल? नाइस नाइस। तो नेपाल में कहां से? नेपाल में झापा। झापा से? इट बिलोंग्स वेरी क्लोज टू द बॉर्डर। हां नाइस। दिस इज 1290 सुपर ड्यूक, कितना ही क्रेजी लग रहा है, यहाँ पे बिक रहा है, सेल पे डला हुआ है, एक बार देखें प्राइस क्या है। तो इसका प्राइस है लगभग 8,00,000 रुपए, $15,990। चल भाई आप प्रशांत की बाइक देखेंगे हम लोग, और उधर भी कुछ है, उधर भी कुछ है क्या? टायर सर्विसिंग, अच्छा टायर का और सर्विसिंग का जो है वो उधर को है। एंड यहाँ पे है एक होंडा की बाइक, दिस इज CB 1000R 2018। नहीं 1000 नहीं लग रहा है, मैं खुद हैरान हूँ कि ये 1000 नहीं है। और ये अभी आप चलाएंगे ना, इतना मक्खन है इसका, अरे क्रेजी है, इतना मक्खन है। तो भाई कल हम दोनों राइड करने वाले, लेट्स होप फॉर टुमारो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे मैं जाऊँगा। अभी अभी नहीं चलाएंगे हम, कल चलाएंगे, कल चलाएंगे, कल चलाएंगे, कुछ एक्साइटमेंट कल के लिए भी छोड़ देते हैं। तो हम लोग कल जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ मैंने जाना था वहाँ इसने भी जाना था। कौन सी फेमस रोड बता रहा? ओल्ड पैसिफिक हाईवे। हाँ, तो मेरे को दो तीन लोगों ने रेकमेंड किया कि सारे बाइकर्स उधर को आते हैं संडे को, तो संडे को मिस नहीं कर रहा, और लकीली टुमारो इस संडे तो डेफिनेटली मैं तो जाने वाला हूँ। पुलिस लोग भी उधर ही आएंगे, पुलिस भी उधर आएगी, तो बहुत सेफ्टी के साथ जाएंगे। और ये नंबर KHS तूने न्यू लिया था, सेकंड हैंड लिया था? मैंने ये यूज लिया था। अच्छा, 3000 किलोमीटर खुद हुआ, पर नया का पैसा पड़ गया। कितने का पड़ा? $17,000। नेपाल से तो सस्ता ही है, नेपाल से तो बहुत सस्ता है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, मेरे को पता है नेपाल में ना ये बाइक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ एक अप्रीलिया भी खड़ी है, ट्यूनो V4, बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स के साथ में, बहुत सारे कार्बन पार्ट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। यार यही चीज़ है जो मतलब बाइकर्स को कनेक्ट करती है ना, ये पैशन, कहीं भी मिलते हैं ऐसे लगता है सालों से जानते हैं। मैं इसको अभी मिला थोड़ी देर पहले बट थोड़ी देर अंदर बातें हुई स्टोर में, हमने थोड़ा मिलके सामान चेकआउट किया तो दोस्ती हो गई। और कल मैं जहाँ जा रहा था मैंने इसको बताया, इसने कहा हाँ यहाँ तो संडे को जाना है, मैं भी जा रहा हूँ तो चलो साथ चलेंगे। पता नहीं था कि आज की डेट में भी ना सीडीज बिकती है मूवीज की, सी मतलब बाय टू गेट वन फ्री। तो मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने का यहाँ पे मॉल में, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बट अपना जो सेक्शन है वो तो उधर ही है, मतलब जो गैजेट्स अपने को चाहिए ना, कुछ समझ में आ रहे हैं, कुछ ले लूँगा कुछ नहीं लूँगा।